एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं समथिंग रिलेटेड टू नीट यूजी। तो आज का वीडियो है आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ नीट यूजी टू द मेडिकल स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। एंड अभी रात के आप देख सकते हैं 12 बज चुके हैं एंड इस टाइम मुझे याद आया रिकॉर्डिंग का। इससे पहले अभी सारा काम वाम पैकअप कर रहे थे एंड रक्षाबंधन का टाइम है तो काफ़ी लोग घर चले गए। तो देखते हैं अगर कोई जग रहा होगा तो उसके रूम में चलते हैं एंड क्वेश्चन पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर काफ़ी अंधेरा हो रखा है, मतलब काफ़ी लोग सो चुके हैं। इनकी लाइट जो है वो ऑन है। सो लेट्स सी व्हाट करते हैं। तो ये रूम है आयुषी एंड आकांक्षा का। हेलो ब्रो। हाय। हेलो, आज तुम व्लॉग में आ रही हो हमारे। हैं ऐसा तो। यस नाइस, बट हैप्पी। तो यार ये है आयुषी। हाय, आई एम आयुषी। आयुषी अपना इंट्रो दे दो। टीम बैच। हाँ, यू नो आई एम स्टडिंग इन एमएलएनएमसी, यू नो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है यार ये। यार ये भी सही है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने सही बोला एंड यस आंसर इज करेक्ट। मेरा आंसर सही है। सो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट सब लोग सो चुके हैं एंड तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे। एंड सो यहाँ मेरे बैच के काफ़ी लोग नहीं हैं और जो हैं वो सो चुके हैं आधे से ज़्यादा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे, थोड़ा देखते हैं कोई जूनियर मिलते हैं या फिर सीनियर से। तो इतनी रात में सीनियर्स के रूम में तो हम नहीं जाएंगे। सो लेट्स गो टू द जूनियर्स, देखते हैं जूनियर्स क्या कर रहे हैं हमारे। तो उस रूम से काफ़ी आवाज़ आ रही है, चलते हैं। तो आके हम लोग जूनियर्स के रूम में, इस रूम से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो, नमस्ते, बैठ जाओ यार। तो बच्चे पहले तुम अपना इंट्रो दो कैमरे पे देखा। हाय गाइस, दिस इज अंशिका, आई एम 2020 बैच स्टूडेंट। और अंशिका कितने मार्क्स थे? मेरे 629 मार्क्स थे। तो अभी अंशिका तुम्हें इस बार 2022 का पेपर देखा? तुमने नहीं देखा? नहीं, पेपर ही नहीं देखा अभी तक। बस आना है पेपर के बारे में कि मतलब ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं ठीक है। तो आज एक टास्क है तुम्हारे लिए और तुम ऐसा करना है, तुम्हें 200 क्वेश्चन आते नीट में, उसमें से कोई भी क्वेश्चन मतलब
1 to 200 में कोई भी नंबर तुम्हें चूज करना है और जो तुम नंबर चूज करोगे उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू सॉल्व दैट. ओके, ये तो ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने पेपर भी नहीं देखा, मुझे कोई आइडिया नहीं है. ओके, लेट्स ट्राई माय. चलो अंशिका, तो ओके लेट्स ट्राई. कौन सा क्वेश्चन 1 to 200 के बीच में कोई मतलब क्वेश्चन मुझे चूज करना है? जो तुम चूज करोगे उसके जो क्वेश्चन आएगा. ओके, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो ऐसा कुछ मुझे पता चल सकता है मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट सीक्वेंस का है? तो हाँ, सेट का अलग होगा. ओके, कौन सा क्वेश्चन? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर क्या होने वाला है. देखते हैं मामले की बेइज्जती हमारे जूनियर्स को कितना याद है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. 82 लेट्स सी. ओके, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है गाइस. और उस टाइम पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बट अब मुझे नहीं पता मुझे याद है. और उसके जो आंसर्स मार्क है वो गलत है तो मैं तुम्हें बता दूं पहले, तुम उसके अकॉर्डिंग बता. मुश्किल क्वेश्चन है. अच्छा, अभी क्या हुआ है पता चल गया कि किधर बायो है किधर केमिस्ट्री है. तो 110 क्वेश्चन, ये बॉटनी का क्वेश्चन. मुझे याद है एकदम से, एकदम रटाया था उन्होंने हमें. ये मुझे लग रहा फैक्ट है बट इसमें आंसर गलत दे रखा है, मुझे लग रहा वो गलत है उसमें, वो मतलब रिलायबल नहीं है. तो मुझे फैक्ट क्या लग रहा है? 4. 110 का 4 सही है. ओह नाइस यार, यू आर बहुत स्मार्ट. सही आंसर. एनी टेंशन फ्री. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना. मतलब कोई भी नंबर ठीक है तो कोई भी ले लो. ऑड नंबर ले दे. 39. ये तो देखते ही डर लग रहा है यार मुझे. नहीं ओहो, 2.4 कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे था ना, मतलब कि आर्ट से ज्यादा है तो कुछ और होता था. हमारे में यहाँ पे वो कंडीशन, हाँ वो कंडीशन के अकॉर्डिंग रहता था. नहीं आता कोई बात नहीं. तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हमारे जूनियर्स काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, स्पेशली 2020 बैच आते हैं फर्स्ट ईयर पे. 2021 जो आपके जस्ट सीनियर्स हैं, जिन लोगों ने अभी नीट का पेपर दिया है, देखते हैं उन्हें कितना याद है. तो आई गेस जब 20 बैच को याद है तो 21 को तो कुछ ज्यादा ही याद होगा. तो वो देखते हैं. हमारे साथ में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो यार फ्रेंड को दे दो एक बार. मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से. फर्स्ट ईयर, तो ये बताओ पहले तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में रैगिंग होती है? रैगिंग वैसे तो नहीं होती है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बता.
रैगिंग नहीं होती, हमारा कैंपस बिल्कुल रैगिंग फ्री है। तो आगे चलते हैं, और तो तुम्हें पता चल गया ना सारे इन लोगों ने किया कैसे क्वेश्चन है, तो बताओ तुम कौन सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर कोई भी रैंडम, जैसे क्लास से बाहर सेक्शन है तो पता चल गया। तो आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है एक नीट एस्पिरेंट के लिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आई थिंक ये फोर्थ ऑप्शन 144 का फोर, तो बिल्कुल सही है।10 kg 20 kg respective are connected to 2 points of rigid orders. Okay, तो ये center of mass का question है। ये ऐसे तो नहीं होगा, मुझे पहले तो चाहिए होगा शायद।